हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एंड्रॉइड। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी S7 और S7 एज में नोगट का बेटा वर्जन किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। और अगर आप जानना चाहते हो नोगट इंस्टॉल करने के बाद इसमें क्या क्या नए फीचर्स आए, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं नोगट के फीचर्स का एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये नोगट का वर्जन है, वो सिर्फ और सिर्फ G930F और G930FD पे ही काम करेगा। तो आप अपने मोबाइल का मॉडल नंबर है वो एक बार से जरूर वेरीफाई कर ले, क्योंकि अगर आपका मोबाइल का मॉडल नंबर है वो दूसरा है तो ये नोगट का वर्जन है वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होगा। और मैं आपको दिखा दूं कि मेरे मोबाइल में जो अभी वर्जन इंस्टॉल है वो 6.0.1 है। तो प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आप अपने मोबाइल का डाटा है उसका बैकअप जरूर ले लें, क्योंकि हम जैसे ही नोगट को इंस्टॉल करेंगे हमारा डिवाइस है वो फैक्ट्री डाटा रिसेट हो जाएगा, तो बैकअप है वो जरूर ले लें। तो सबसे पहले हमें दो फाइल्स को डाउनलोड करना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप उस लिंक को जैसे ओपन करोगे ये वेबसाइट ओपन होगी। और यहाँ पे नीचे आके आप ऑडिन डाउनलोड की लिंक पे जैसे क्लिक करोगे एक और दूसरी वेबसाइट ओपन होगी। उस वेबसाइट में से आपको ऑडिन का लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करना है और ऑडिन की साइज यही कुछ 1 MB के आसपास है। उसके बाद हमको डाउनलोड करना है नोगट की फाइल्स। तो यहाँ पे आपको जो लिंक दिखाई दे रही है डाउनलोड, उस पर आप क्लिक करोगे तो गूगल ड्राइव ओपन होगा। और गूगल ड्राइव में आपको डाउनलोड पे यहाँ क्लिक करना है। और जैसे ही आप डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको गूगल ड्राइव में से स्पीड भी अच्छी आएगी और इस फाइल की साइज है वो कुछ 2 GB से ज़्यादा है। और उसके बाद आपको ये पासवर्ड को कॉपी करना है। ये पासवर्ड है वो फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अब दोनों फाइल्स है वो डाउनलोड हो गई है। मैं दोनों फाइल को एक फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो आप नोगट की फाइल को जैसे ही एक्सट्रैक्ट करोगे वो एक पासवर्ड मांगेगा, तो आपको पासवर्ड पेस्ट करना है जो हमने वेबसाइट में से कॉपी किया था। ये जो पासवर्ड है आपको वो पेस्ट करना है। तो अब ऑडिन और नोगट्स की फाइल है वो सब एक्सट्रैक्ट हो गई है। मैं ऑडिन को ओपन करता हूँ। और ऑडिन को ओपन करने के बाद आपको अपना मोबाइल को पावर ऑफ कर देना है। और याद रहे आपके मोबाइल की बैटरी है वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद आपको पावर बटन, होम बटन और वॉल्यूम डाउन की, ये तीनों को एक साथ दबाना है। ये तीनों को एक साथ आप प्रेस करोगे तो एक ऐसा मेन्यू खुलेगा और यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप की दबानी है, तो ये डाउनलोडिंग मोड पे आ जाएगा। उसके बाद केबल से अपने मोबाइल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कीजिए। अब जैसे ही केबल को कनेक्ट करोगे यहाँ पे एडेड लिखा हुआ आ जाएगा, यानी आपका डिवाइस है वो कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से आप फाइल को सिलेक्ट कीजिए, BL में BL की फाइल, AP में AP की फाइल। AP की फाइल को ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये सबसे बड़ी फाइल है। और उसके बाद CP और CSS फाइल को भी सिलेक्ट कर लीजिए। और चारों फाइल को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ऑप्शन में आइए और ऑप्शन में आपको मिलेगा NAND Erasure, इस पर आपको राइट करना है जिससे आपका मोबाइल फॉर्मेट हो जाएगा। और स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आपको यहाँ पे पास का मैसेज दिखे इसका मतलब है नोगट आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया और आपका मोबाइल है वो अपने आप रिस्टार्ट होगा। और मोबाइल स्विच ऑन होने के बाद हमको मोबाइल को सेटअप करना है जैसे कि एक हम नए फ़ोन को करते हैं। तो नोगट इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या क्या नए फीचर्स मिलते हैं, तो उन सब फीचर्स का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और इसके अलावा आप यहाँ पे आई बटन पे भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और रोजाना ऐसे नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।